जय हो श्री राम भगवान की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ जर बिहारी। बारात की विदा। सबको राजा ने दंडुत प्रणाम किया और प्रेम सहित सभी ऋषियों के पूजन किए और उत्तम आसन दिए। फिर कामधेनु के समान सुशील और सुंदर 4 लाख गौएं मंगवाई, 4 लाख गौओं का दान किया। सब विधि सकल अलंकृत कीन्हीं, जय सिया राम मुदित मिहि परिशीन कह दीन्हीं। जय सिया राम कार्तविन बहु विधि नर नाहू, जय सिया राम लह आज जग जीवन ही लाहू। जय सिया राम। राजा ने उन गायों को सब प्रकार से सजवा कर प्रसन्न हो ऋषियों को दी। फिर राजा ने अनेक प्रकार से विनती की कि मैंने संसार में आज जीने का लाभ पाया है। पाई आशीष महेश अनंदा, जय सिया राम लिए बोली पुनी याचक वृंदा। जय सिया राम कनक वसन मणि हय घनश्यंदन, जय सिया राम दिए बूझी रुचि रवि रघुकुल नंदन। जय सिया राम। राजा ने सब गायों को सब प्रकार से सजवा कर ऋषियों को दान में दे दी। फिर राजा ने अनेक प्रकार से विनती की कि मैंने संसार में आज जीने का लाभ पाया है। राजा आशीर्वाद पाकर आनंदित हुआ। फिर भिखारियों को बुलाया। राजा दशरथ ने उनकी इच्छा अनुसार सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी आदि उनको दिए। चले पड़त गावत गुणगाथा, जय सिया राम जय 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 दिनकर कुलनाथा। जय सिया राम। ए विधि राम विवाह उछाहू, जय सिया राम सकन वरणी सहज मुख जाहू। जय सिया राम। बार बार कौशिक चरण शीश नाई कहराऊ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष प्रभुआऊ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। वे भिखारी गुणगान करते हुए चले कि सूर्यवंश के राजा दशरथ की जय हो। इस प्रकार राम जी के विवाह के उत्तम उत्सव को शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। बारंबार विश्वामित्र मुनि के चरणों में शिर नवा दशरथ जी ने कहा कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी कृपा कटाक्ष के प्रताप से ही हुआ है। जनक स्नेह शील करतूति, जय सिया राम निरूप सब भांति सराह विभूति। जय सिया राम। नित उठी विदा अवध पति मांगा, जय सिया राम राखहि जनक सहित अनुरागा। जय सिया राम। नित नूतन आदर अधिकाई, जय सिया राम अधिक प्रति सहस भांति पहुनाई। जय सिया राम। नित नव नगर आनंद उछाहू, जय सिया राम दशरथ गमन सुन सुहाई सुहाई न काहू। जय सिया राम। बहुत दिवस बीते इह भांति, जय सिया राम जनु स्नेह रजु बंधे बराती। जय सिया राम। कौशिक सतानंद तब जाई, जय सिया राम कहा विदेह नृप ही समझाई। जय सिया राम। अब दशरथ कहें आय सुदेहू, जय सिया राम यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहू। जय सिया राम। भले ही नाथ कहीं सची बुलाए, जय सिया राम कही जय शिव जीव शीश तिन नाए। जय सिया राम। अवनाथ अवधनाथ चाहत चलन भीतर कर हुजनाऊ, भय प्रेम वश सचिव सुनी विप्र सभा सभा सद जा राउ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। राजा दशरथ ने जनक के स्नेह और शील स्वभाव करनी को बहुत भांति से सराहा। नित्य उठकर राजा दशरथ विदा मांगते हैं, किंतु राजा दशरथ जनक को उनको प्रेम से रोक लेते हैं। नित्य नया आदर बढ़ता जाता है और हजारों मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद मंगल और उत्सव होता है। किसी को भी राजा दशरथ का जाना अच्छा नहीं लगता, नहीं सुहाता। इस तरह बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंधे हैं। तब विश्वामित्र और शतानंद ने जाकर जनक को बारंबार समझा कर कहा, यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते हो तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए।
तब जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे आए। उन्होंने जय हो कहकर मस्तक नवाया। राजा ने उनसे कहा, भीतर निवास में खबर कर दो कि महाराज दशरथ जाना चाहते हैं। सुनते ही मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा सब प्रेम के वश में हो गए। पूर्वासी सुनि चलि भ्राता, जय सियाराम। पूछें विकल परस्पर बाता, जय सियाराम। सत्य गमन सुनि सब विलखाने, जय सियाराम। मन हो सांझसर सिज सुकुचाने, जय सियाराम। जहत है आवत बसे बराती, जय सियाराम। जहत है सीध चला बहु भांति, जय सियाराम। विविध भांति मेवा पकवाना, जय सियाराम। भोजन साजन जाई बखानी, जय सियाराम। भरी भरी बस अपार कहारा, जय सियाराम। पठिय जनक अनेक सुवारा, जय सियाराम। तुरंग लाख रथ सहस पचीसा, जय सियाराम। सकल समारे नख अरुशीसा, जय सियाराम। मत सहस दस सिंधुर साजे, जय सियाराम। जिन नहीं देखी दिशी कुंजर लाजे, जय सियाराम। कनक वसन मणि भरी भरी आना, जय सियाराम। महिषी जैनु वस्तु विधि नाना, जय सियाराम। दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकति लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जय सियाराम करो कल्याण, जय जय राम। सब समाज एहि भांति बनाई, जय सियाराम। जनक अवधपुर दीन पठाई, जय सियाराम। चली ही बरात सुनत सबरानी, जय सियाराम। विकल मीन गण जनु लघु पानी, जय सियाराम। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ जर बिहारी। जब नगर निवासियों ने सुना कि बरात जाती है तो वे व्याकुल हो आपस में पूछने लगे कि जाने की सच्ची खबर है। सभी सुनकर बहुत दुखी हुए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। आती समय जहाँ जहाँ बराती रहते थे वहाँ अनेकों प्रकार के सामान जाने लगे। अनेक प्रकार के मेवा पकवान आदि भोजन की सामग्री थी जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत से बैल सामग्री से लदे हुए और बहुत से कहार सामग्री से ही तथा अनेक रसोइये भेजे गए। 1,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख सिख तक सजाए गए। 10,000 मत हाथी सजाए, जिन्हें देख दिशाओं के हाथी ले जाते थे। सारे वस्त्र और मणि छकड़ों में भर भर कर भेजे। भैंस गाय और अनेक प्रकार की वस्तु भेजी। फिर राजा जनक ने इतना अपार दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसे देखकर लोकपति भी अपने लोगों की संपत्ति को थोड़ी समझते थे। इस प्रकार सब समाज बनाकर राजा जनक ने अयोध्या को भेज दिया। बरात का जाना सुनकर सब रानी ऐसे विकल हुई जैसे थोड़े जल में मछली होती है। जय हो श्री राम भगवान। पुनी पुनी सी ये गोद करी ले ही, जय सियाराम। दे आशीष सिखावन दे ही, जय सियाराम। हो यहूं संतत पियहि प्यारी, जय सियाराम। चिर अहि बात आशीष हमारी, जय सियाराम। बारंबार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीष देकर शिक्षा देती हैं। तुम सदा पति की प्यारी होगी, तुम्हारा सौभाग्य अचल रहेगा, यह हमारी आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, जय सियाराम। पति रुख लखी आयसु अनुसर हु, जय सियाराम। अति स्नेह वश सखी सियानी, जय सियाराम। नारी धर्म सिख वही मृदुवाणी, जय सियाराम। सादर सकल कुंवरी समझाई, जय सियाराम। रानिन बार बार उरलाई, जय सियाराम। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, जय सियाराम। कहीं विरंती रची कतनारी, जय सियाराम। बारंबार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीष देकर शिक्षा देती हैं। तुम सदा पति की प्यारी होगी, तुम्हारा सौभाग्य अचल रहेगा, यही हमारी आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर आज्ञा का पालन करना, अत्यंत प्रेम के वश होकर चतुर सखी मीठी वाणी में नारी धर्म सिखाती है।
रानियों ने बारंबार हृदय से लगाकर सब कुमारियों को समझाया, बारंबार माता मिलती है, विधाता ने स्त्री को क्यों बनाया है। तेहि अवसर भाइन सहित राम भान कुल के तु चले जनक मंदिर मंदिर मुदित विदा करावन हेतु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। उसी समय सूर्यवंश के पताका का स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्नतापूर्वक विदा कराने के लिए जनक राजा के महलों में रनिवास में चले। चारु भाई सुभाए सुहाए जय सिया राम नगर नारी नर देखन धाए जय सिया राम कोई कह चलन चहत है आजू जय सिया राम कीन विदेह विदा कर साजू जय सिया राम लेहु नयन भरी रूप निहारी जय सिया राम प्रिय पाहुने भूप सुप्त चारी जय सिया राम को जाने जय सुकृत सियानी जय सिया राम नयन अतिथि किन्हे विधियानी जय सिया राम मरणशील जिमि पाव पी उखा जय सिया राम सुरतरु लह जन्म कर भूखा जय सिया राम पाव नार की हरिपद जैसे जय सिया राम इनकर दर्शन हम कह तैसे जय सिया राम निरखी राम शोभा उर्धर हु जय सिया राम निज मन फणि मूर्ति मणि करहु जय सिया राम एहि विधि सब ही नैन फल देता जय सिया राम गए कुंवरी सब रजी राजनिकेता जय सिया राम रूप सिंधु सब बंधु लखी हर्षि उठे उरनिवास रामा हर्षि उठे उरनिवास करहि निछावर आरती महामुदित मनुषा सुसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। चारों भाई स्वभाव से ही सुंदर हैं, नगर के सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखने को दौड़े, कोई कहता है कि ये आज जाना चाहते हैं। जनक राजा ने विदा का सामान तैयार कर दिया है, राजा दशरथ के चारों पुत्रों को जो प्यारे अतिथि हैं नेत्र भर कर देख लो हे सखी, कौन जाने किस पुण्य के प्रताप से विधाता ने इनको हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। जैसे किसी मरणशील को अमृत मिल जाए, जन्म के दरिद्री को कल्पतरु मिल जाए, किसी नरक में रहने वाले जीव को वैकुंठ मिल जाए, इसी प्रकार हमको इनके दर्शन हैं। राम जी की छवि को देख हर्ज में धारण कर लो, अपने मन को सर्प और इस मूर्ति को मणि करके रख लो। इस प्रकार सबको आंखों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के सागर चारों भाइयों को देख सब निवास की रानियां प्रसन्न हो उठी और सास मन में बहुत प्रसन्न होकर आरती और न्योछावर करने लगी। देखी राम छवि अति अनुरागी जय सिया राम प्रेम विश्व पुनि पुनि पद लागी जय सिया राम रही न लाज प्रीति उर छाई जय सिया राम सहज स्नेह वर्णी की मिजाई जय सिया राम भाई न सहित ऊटी अनहवाए जय सिया राम छैरस असन अति है तुझे वाए जय सिया राम बोले राम सु अवसर जानी जय सिया राम शील स्नेह सकुच भयवानी जय सिया राम राव अवधपुर चहत सिधाए जय सिया राम विदा होन हित हम ही पठाए जय सिया राम मात मुदित मन आयसुदेहु जय सिया राम बालक जानी कर नितनेहु जय सिया राम सुनत वचन विलोक के उर निवासु जय सिया राम बोल न सकई प्रेम वश सासु जय सिया राम हर्ज लगाई कुंवरी सब लीनि जय सिया राम पतिन सौंप विनती अति कीन्ही जय सिया राम। राम जी की छवि को देख प्रसन्न हो प्रेम वश बार बार चरणों में लगी, सब लाज जाती रही और हर्ज में प्रीति छा गई। उस स्वाभाविक स्नेह का वर्णन कैसे किया जा सकता है। भाइयों समेत उबटना करके स्नान कराया और षटरस भोजन बड़े प्रेम से कराए। सो अवसर जान रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच से भरी हुई वाणी बोले, राजा अयोध्या को जाना चाहते हैं, उन्होंने हमको विदा होने के लिए भेजा है। हे माता, मन में प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए और बालक जानकर हम पर सदा प्रेम करना। यह वचन सुनते ही रनिवास व्याकुल हो गया और सास तो प्रेम के कारण बोल भी ना सकी। सर्व राजकुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को उन्हें सौंप कर अति विनय की।
करी विनय सिय राम ही समर्पी जोरी कर पुनि पुनि कहै बलि जाऊं तात सुजान तुम कह विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राज ही प्राण प्रिय सिय जानवी तुलसी सुशील स्नेह लखिनि जन किंकिरे करी मानवी तुम परिपूर्ण काम जानि श्रोमणि भाव प्रिय जन गुण ग्राहक राम दोष दलन करुणा जतन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। विनती कर जानकी जी रामचंद्र जी को सौंप दी और हाथ जोड़कर कहा हे तात मैं आपकी बलि जाती हूँ आपको अपनी गति विदित है सब कुटुंब नगरवासी राजा और मुझको जानकी जी बलि जाती हूँ प्राणों से विस्मान प्यारी है इसका शील स्नेह देख इसे आप अपनी दासी करके जानना। हे राम जी तुम सब कामनाओं से परिपूर्ण हो ज्ञानियों में शिरोमणि हो तथा भाव प्रिय हो मनुष्य के गुण ग्रहण करने वाले हो दोषों को नाश करने वाले और करुणा के धार हो। जय हो प्रभु। मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ दर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ दर बिहारी। जय हो श्री राम भगवान की। आज यहीं विश्राम करते हैं। चारों राजकुमार का विदा करने का जनक में महल में जाने का वृतांत कल आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने घर में जो बीमार हों चल फिर ना सकते हों अति वृद्ध हों उनको ये रामायण का पाठ सुनाएं जगत के कल्याण के लिए विश्व के कल्याण के लिए। मैंने ये रामायण का पाठ सुनाया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसको प्रेम से सुनेंगे। ये हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। भगवान श्री राम सब पर कृपा करें। जय हो श्री राम भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं हरदारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। जय हो श्री राम भगवान।